शादी समारोह में हर्ष फायरिंग जारी। दतिया में फिर हुआ शादी के दौरान हवाई फायरिंग का वीडियो वायरल। कोतवाली क्षेत्र का मामला पिछले दिनों 4 साल के मासूम की शादी समारोह के दौरान हो चुकी है हर्ष फायरिंग में मौत। प्रतिबंध के बावजूद लोग दूसरों की जान में जान से खेलने से नहीं चूक रहे हैं। हवाई फायरिंग की घटनाओं को लेकर कोतवाली TI धीरेन्द्र मिश्रा ने जानकारी देते हुए पत्रकारों को बताया कि CCTV फुटेज की सहायता से सभी चिन्हित कर लिया गया है। जल्द मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग हर्ष फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मामला है? जी, एक सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जो हमारे संज्ञान में आया है, हम उसकी जाँच कर रहे हैं। जो लोग उसमें दोषी है, जो हर्ष फायर कर रहे हैं, उस पर FIR करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। संज्ञान में भी आया है, उसमें हम चिन्हित कर रहे हैं लोगों को और उन पर कार्रवाई की जाएगी। खास बात है कि शादी समारोह का कारण है, पहले भी प्रशासन द्वारा और चेतावनी दी गई, भी उल्लंघन किया जा रहा है। हाँ, पूर्व में भी उल्लंघन हुआ था जिस पर हमारे द्वारा सख्त निलंबन की कार्रवाई कराई गई है। और मेरा अनुरोध है सभी जो गार्डन के मालिक हैं और जो भी पब्लिक जाती है वहाँ पर शादी समारोह में, वो इस प्रकार की हर्ष फायर ना करें, क्योंकि हर्ष फायर के दौरान कई घटना होती है, कई लोगों की मौत हो जाती है, तो ये अनुचित है पूर्ण रूप से। इस पर पुलिस सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।